वेलकम टू माई चैनल डाइन एंड डिलीशियस। जिनका 9 दिन का व्रत रहता है उनको डेली ये सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाएं, आज क्या अच्छा बनाएं जो सबको पसंद आए। तो चलिए आज की प्रॉब्लम हम दूर करते हैं और बनाना शुरू करते हैं व्रत में खाए जाने वाले दही आलू। इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर 4 उबले हुए आलू। आलू को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आलू कट करने के बाद हम आलू को साइड में रख देते हैं और एक जार ले लेते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं दही। दही का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। अगर दही नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं है तो हम जैसे ही कढ़ाई में डालेंगे दही फट जाएगी, इसलिए दही का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। दही को सिर्फ 2 या 4 सेकेंड तक ही ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद इसको साइड में रख दीजिए। हम कढ़ाई में घी डालकर गरम कर लेते हैं। घी गरम हो चुका है तो हम इसमें ऐड करेंगे अब जीरा। अब डाल लेते हैं करी लीव्स। कुछ सेकेंड्स तक चलाने के बाद हम ऐड कर रहे हैं सूखी लाल मिर्च। नेक्स्ट ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च। अब ऐड कर लेते हैं ग्रेटेड अदरक। अदरक डालने के बाद हम 1 मिनट तक इसको कुक कर लेते हैं। मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं तो अब मैं ऐड कर रही हूँ सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा डालने के बाद हम लो फ्लेम पर उतना ही कुक करेंगे जितने में ये आटा घी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम डाल रहे हैं कटे हुए आलू। हम आलू को अच्छी तरह से कुक करेंगे। अच्छी तरह से कुक करने का मतलब है कि आलू का कलर गोल्डन हो जाए। मैंने अभी फ्लेम को मीडियम कर दिया है। ये मैं ऐड कर रही हूँ व्रत का नमक। स्टार्टिंग में मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि दही जो है वो खट्टी होनी चाहिए। अगर दही खट्टी नहीं होगी तो दही आलू का जो रियल टेस्ट होता है वो नहीं आएगा। हम गोल्डन होने तक इसलिए भूनते हैं क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब आलू का ऐसा टेक्सचर हो जाए तो समझ लीजिए कि अब आलू भून चुके हैं। आलू हमारे कुक हो चुके हैं तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं पानी। पानी डालने के बाद हमें बॉयल आने तक कुक करना है। हमें फ्लेम को अब लो कर देना है और लो फ्लेम में ही हम दही डालेंगे। दही डालते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक साथ दही नहीं डाल देना है। हम धीरे धीरे करके दही डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे, जिस तरह से मैं डालते हुए चला रही हूँ। दही में बॉयल आने तक हम धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे। जब तक बॉयल ना आए हमें चलाना बिल्कुल ही बंद नहीं करना है। बॉयल आने के बाद हम 3 से 4 मिनट तक और कुक करेंगे। अब हमें गैस ऑफ कर देना है। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हरी धनिया। हरी धनिया डालने के बाद दही आलू सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।